कपूर का एक ऐसा चमत्कारिक उपाय धनतेरस को आपको कर लेना है उपाय। इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 को मनाया जा रहा है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज की। कपूर का उपाय कर लेना, बनेंगे करोड़पति, होंगी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। कपूर का टुकड़ा लेना है और इसे जला देना है। इस दिन से दिवाली की शुरुआत होती है। 10 नवंबर 2023 को धनतेरस के दिन से ही शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी भगवान अमृत कलश से प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बर्तन खरीदना बेहद शुभ होता है। इसके अलावा सोना चांदी व झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है। जी हाँ, धन और तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। इसलिए इस दिन आप जो भी सामान खरीदेंगे 13 गुना वृद्धि होने की संभावना होगी। धनतेरस को लेकर कई मान्यताएं व उपाय हैं जो इस त्यौहार को खास बनाती हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा सच्चे भाव से की जाती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इस दिन विधि अनुसार पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्टों को दूर किया जा सकता है। ऐसे में आप कुछ उपाय की सहायता से अपनी समस्याओं का छुटकारा पा सकते हैं। इस कड़ी में आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से धनतेरस पर कौन से उपाय करने चाहिए। पशुओं की पूजा सर्वप्रथम। जी हाँ, हिंदू धर्म में पशुओं की पूजा करना शुभ माना जाता है। आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को सजाकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर पशुओं की पूजा करने से आर्थिक परेशानियाँ दूर करती। दान करना चाहिए। ध्यान दें, दान करना पुण्य कर्म है। माना जाता है कि दान करने से पिछले जन्म के पाप धुल जाते हैं। धनतेरस के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन यदि आप सूर्यास्त से पहले दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। हालांकि आपको सफ़ेद कपड़ा, चावल, चीनी आदि का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको किन की पूजा करनी है ये भी जान लें। धनतेरस के दिन शुभ है आपको भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और भगवान गणेश जी की पूजा सच्चे श्रद्धा भाव मन से करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन इन सभी भगवान की पूजा एक साथ करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है, बिगड़े कार हमारे सुधर जाते हैं। धनिये के बीज करें उपाय, होंगे चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन धनिये के बीज खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। मानता है कि ऐसा करने से धन की हानि नहीं होती है, साथ ही आपके घर में भी बरकत होती है। ऐसा कहा जाता है कि धनिये के बीज घर में सुख समृद्धि लाते हैं। 13 दीप जलाएं, ये भी बहुत ही अचूक उपाय। धनतेरस के दिन घर और बाहर 13 दीपक जलाने से बीमारियों को दूर किया जा सकता है। और आप स्नान करने के बाद साफ हाथों से घी, तेल और बत्ती को छू सकते हैं। ध्यान दें, आप चाहें तो कपूर का उपयोग कर सकते हैं धनतेरस के दिन। देखिए, कपूर ऐसी एक शक्ति मानी जाती है जिसको जलाने से नकारात्मक ऊर्जा सारी दूर हो जाती है हमारे घरों से। कपूर का उपाय कर सकते हैं, आप जला सकते हैं और फिर इसके बाद पूजा प्रस्थान सच्चे भाव दिल से नहा धोकर बढ़िया अच्छे से करना चाहिए। धनतेरस पर ये उपाय कर लेने हैं, धन्वंतर और माता लक्ष्मी जी असीम कृपा देंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसी ही ज्ञान भक्ति चैनल को, और अनेकों जानकारियाँ मिलेंगी इस चैनल के माध्यम से। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी की।